छत्तीसगढ़ में इसी साल विधानसभा चुनाव है। सत्ता बचाने के लिए नेताओं ने विधानसभा को ही तंत्र मंत्र की प्रयोगशाला बना दिया। छत्तीसगढ़ विधानसभा में एक बाबा को घूमते हुए दिखाया गया है। बाबा का दावा है कि वो चौथी बार रमन सरकार बनवाने आया है। रामलाल कश्यप नाम के बाबा विधानसभा परिसर में घूमते दिखे। कल विधानसभा में घूमने वाले बाबा का दावा है कि वो अदृश्य शक्तियों को बांधने आए हैं ताकि फिर रमन सरकार बने। रामलाल कश्यप भारतीय जनता युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष भी हैं। बीजेपी के एक विधायक उन्हें विधानसभा लाए। विधानसभा में बाबा को बुलाकर अंधविश्वास को बढ़ावा देने का दावा। तर्क ये दिया जा रहा है कि पूजा पाठ से सत्ता पाने की कोशिश है। बाबा ने कहा वो सरकार बनाने का संकल्प लेकर अमरनाथ जाएंगे। विधानसभा में पहुंचे इस बाबा ने गले में कई मालाएं पहनी हैं, जिसका वजन करीब 10 किलो है। पूरे माथे पर टीका लगा है। पूरे दिन विधानसभा में यह बाबा चर्चा का विषय है। संकल्प को लेकर अमरनाथ जा रहे थे, चौथी बार रमन सरकार बनाना है, लेकर जाएंगे अमरनाथ। देश के लिए मैं समझता हूँ कि ये पहला उदाहरण होगा कि विधानसभा परिसर में तांत्रिक को लाकर सरेआम बंधन कर रहे हैं और उसका सपोर्ट कर रहे हैं। किसी भी सरकार के लिए ये शर्मनाक। अपनी पूजा पद्धति है, अपनी आस्था का विषय है, वेशभूषा अपना विषय है। वो किसी के कहने या किसी के निर्देश से वो चीजें नहीं होती। रहा सवाल वेशभूषा पर मत जाइए, वो उनका जो विचारधारा है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी हुई है।